अपनी सेविकाई की शुरुआत के पहले प्रभु येसु ने रेगिस्तान में 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। इसी प्रकार संत थॉमस ने भी अपनी तपस्या एवं प्रार्थना के लिए एक एकांत जगह ढूंढी। वह जगह है केरल का प्रसिद्ध मलयातूर। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। पेंतकोस्त त्योहार में पवित्र आत्मा के आगमन के बाद संत थॉमस ने पार्थिया, पर्शिया एवं अन्य जगहों पर प्रभु का प्रचार करने निकल पड़े। सन 52 में थॉमस थेदेयुस केरल के कैरेंगनोर तट पर पहुंचे। ऐसी धारणा है कि उस वक्त के राजा गुंडप्पार ने उन्हें अपने राज्य में धर्म प्रचार की अनुमति दी थी। Thomas traveled to India. India was known for its spices. This was trading relation between India and Europe and also Middle East and also this Jerusalem, important city at that time. So here also there was the presence of Jewish community. It was easy for St. Thomas to preach the word of God, which he has seen, touched, experienced, that is the Jesus Christ. So here was the followers from the very first century onwards. भारत के प्रथम विश्वासी भी उसी के करीब पालायूर के माने जाते हैं। पालायूर में उन्होंने अपने प्रथम चर्च का निर्माण किया था। 1860 में उनका पदार्पण मलयाटूर में हुआ था। मलयाटूर गांव एर्नाकुलम शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। मलयाटूर शब्द में पहाड़, नदी और स्थान का समावेश है। स्थानीय लोगों को यह नया धर्म इतना असरदार नहीं लगा। नतीजा ये हुआ, वे संत थॉमस को सताने लगे। गौरतलब संत थॉमस मलयाटूर में अपना पूरा समय ध्यान और तपस्या में बिताने लगे। Malayati is not one of the 7 churches. As according to the tradition, said St. Thomas has established 7 churches. The importance for Malayati is this, that he has prayed the top of the mountain, and this mountain was known as Ponmudi. Now it is called Kurishamudi. The Kochi dynasty, the records hints that this mountain is from that century onwards known as Ponmudi, or now it is called Kurishamudi. He prayed there at the top of the mountain, and he has inscribed on the rock the sign of the cross. Later the hunters who went there for hunting found that the golden cross it blinking, and they saw it with the marvelous minds, wonderful minds. And later they came back and told the locals that they have found something like gold blinking. And the locals reached there. The Christians understood that it was a cross. उनकी प्रार्थना के दौरान
वे वहां स्थित पत्थर पर क्रूस का चिन्ह बनाते और उसे चूमते थे। तब से अनेकों मर्तबा उस पत्थर से खून आज भी झरता है। ऐसा विश्वास है कि स्वर्णिम क्रूस जो मलयाटूर में विराजित है, उसका उद्गम भी इस पत्थर से ही हुआ है। सन 72 ईस्वी में संत थॉमस वहां के स्थानीय राजा के विरोध के चलते मद्रास के लिटिल माउंट में भाले से मार दिए गए। ऐसा माना जाता है कि मलयाटूर में प्रार्थना करते वक्त मां मरियम ने उनको दर्शन दिया और उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि ख्रिस्तीय विश्वास की नींव भारत के केरल में ही रखी जाएगी। संत थॉमस भारत के प्रथम मिशनरी एवं सिरो मलाबार ख्रिस्तियों के स्थापक संत भी माने गए हैं। मलयाटूर बड़ी संख्या में भक्तजनों एवं श्रद्धालुओं को प्रभु की ओर आकर्षित करता है। मलयाटूर समूचे विश्व के मशहूर तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यह चर्च 609 मीटर ऊपर पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। 1998, this shrine was declared as the Archdiocese shrine, belongs to Archdiocese of Ernakulam and Gamali. The supreme or the hierarch is Cardinal George Allen Chedi now. And later, this shrine was elevated to the status as an international shrine in February 11th, 2004, declared by Pope John Paul II. The then Cardinal Voki Vidayathil took initiative to raise this shrine as an international shrine. Today, more than 75 lakhs faithful or pilgrims are visiting this mountain, especially during the Lenten season. ये प्रसिद्ध गिरजाघर कुरुशुमुडी जो पश्चिमी घाट एवं पेरियार नदी के निकट स्थित है। यहाँ का चैपल 1595 में निर्मित हुआ है। 1968 तक ये घने जंगलों से घिरा हुआ था एवं यहाँ अनेक हाथी एवं अन्य जानवर विचरते थे। इस गिरजाघर की दीवारों पर हाथियों के दांत के निशान देखे जा सकते हैं। इस चर्च के अंदर संत थॉमस की मूर्ति बनी हुई है। एवं संत के पद चिन्हों की निशानी वाला पत्थर भी रखा हुआ है। इतिहास ये भी कहता है कि जब संत को प्यास लगी, उन्होंने पत्थरों पर डंडे से मारा और उसी जगह से पानी फूट निकला। इस झरने के पानी से अनेक लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रथम ईसवी सदी से मिलता रहा है। कुरुशुमुडी की यह तीर्थ यात्रा मलयाटूर पहाड़ों के नीचे स्थित एक चैपल से शुरू होती है। इस राह पर हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अमीर एवं गरीब, बीमार एवं स्वस्थ लोगों से मिलते हैं जो अपने अपनी जिंदगी का बोझ उठाकर संत थॉमस की मध्यस्थता लिए उस पावन क्रूस के तले अपने बोझ को रखकर अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। Thank you.
यह यात्रा विश्वासी अपने अपने छोटे बड़े क्रूज को उठाते हुए संपन्न करते हैं, जो वहां की वादियों में घुले विश्वास को बयां करती है। हम इसमें अनेक ऐसे विश्वासियों को भी मिलते हैं जो घुटने के बल या नंगे पांव इस पूरी यात्रा को संपन्न करते हैं। मलयाटूर चर्च की यह तीर्थ यात्रा पहाड़ी पर स्थित क्रूज रास्ते के 14 विश्राम स्थलों के साथ और भी भक्तिमय एवं मोक्ष प्रदायी बन जाती है। उनके चेहरे की आलौकिक आभा इस पावन क्रूज से बहे अनुग्रहों का बखान करती है। From the very first century onwards, the presence of Christianity is here. That is why the traditional faith, the antiquity of faith, all this make this shrine as an international shrine by the Pope. So today, as you have seen also today, when you go and climb the mountain, you will find that thousands and thousands of people are climbing, the pilgrims are coming, and they are venerating the golden cross and the looking and pray before the footprint, which is supposed to believe that it was of St. Thomas, according to the tradition of these local people.